नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। मेरा नाम है तन्वी खुराना। हिंदी की इस कक्षा में आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं अमरकांत। अगर आपने ये पाठ पढ़ा है और आप इसके पात्रों के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहें इस कहानी के बारे में और हम इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये पूछना चाहें, या फिर कुछ भी जो आपके दिमाग में आए तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पे, उसके लाइव चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और हम तक पहुँचा दीजिए, बहुत ही आसान है। आप हमें लाइव देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 11 पर, क्योंकि 11वां चैनल सभी 11वीं कक्षा के लिए है, सभी छात्रों के लिए है जो इस वक्त 11वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा पाठ है आप सभी के लिए है, तो अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप फ़ोन करना चाहें हमें तो हमारा नंबर है 8800440559। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो हमें इस पाठ के बारे में विस्तार से बताएंगी, तो आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ है मिस शीतल, स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी जी, और मेरे प्यारे दर्शकों और सभी बच्चों का भी मैं स्वागत करती हूँ आज की इस चर्चा के लिए। आप सभी अपने प्रश्न ज़रूर भेजें। बिल्कुल मैम, तो हम आपके प्रश्नों का इंतज़ार करेंगे। जैसा कि मैम ने कहा, मैम के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। मैम है लेक्चरार हिंदी की, SKV GTB नगर से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली से, और हम मैम से कुछ सवाल पूछेंगे, मैम उनके बारे में बताएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, और इस कहानी के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। तो मैम से सबसे पहले मैं अमरकांत जी के बारे में पूछना चाहूँगी कि वो कौन थे, किस तरह की कहानियाँ लिखते थे, और जो भी मैम आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जी, कहानी से पूर्व रचनाकार के विषय में जानना वैसे भी बहुत आवश्यक होता है, और जैसा कि तन्वी जी ने बताया कि आज हम कक्षा 11 के पाठ दोपहर का भोजन पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके लेखक हैं अमरकांत। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमरकांत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर। अगर हम अमरकांत के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करें तो अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगरा गाँव में हुआ था। इनका मूल नाम श्री राम वर्मा था, और मैं आपको बता दूं कि श्री राम वर्मा इनको जो नाम दिया था यह दिया था हमारे हिंदी के ही एक प्रमुख साहित्यकार यशपाल जी ने। और आगे चलकर आप देखेंगे जब हम इनके सम्मान के विषय में पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें यशपाल सम्मान भी मिला था। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो बलिया में हुई, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, आप जानते हैं इलाहाबाद को आज हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, वहाँ से इन्होंने BA की शिक्षा प्राप्त की थी। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही बहुत रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ भी कर दिया था, और इसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार घर का ऐसा वातावरण होता है कि हम साहित्य की ओर बहुत प्रेरित हो जाते हैं, तो इनके पिता का इन पर बहुत असर रहा, क्योंकि इनके जो पिता थे उन्होंने एक पुस्तकालय के सदस्य के रूप में अपने आप को जोड़ा हुआ था, तो घर में बहुत सारी किताबें आया करती थी, रहस्य की, रोमांच की, कहानियों की। तो इस तरीके के वातावरण में किसी भी बच्चे के लिए साहित्य से सहज जुड़ जाना बहुत ही सरल और सहज बात होती है। दूसरी बात थी कि जो इनके शिक्षक रहे उनका भी इनके जीवन पर बहुत असर पड़ा। इनके जो साहित्य के शिक्षक रहे वो कक्षा में ऐसे रम जाते थे और बच्चों के अंदर से उनकी प्रतिभा को निकालने का इतना बेहतर प्रयास करते थे कि इस कारण से भी इनकी रुचि साहित्य की ओर बढ़ती चली गई। और उससे आगे हम अगर देखें तो साहित्यिक जीवन की शुरुआत, तो अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। हम जब आज़ादी के बाद का समय देखते हैं, नई कहानी के दौर का समय देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर लेखक
सिर्फ अपनी कहानियों या अन्य विधाओं को ही नहीं लिख रहे थे, बल्कि वह जो कहना चाहते थे उन सब के लिए वो पत्रकारिता को भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनाकर चल रहे थे। इसीलिए हम देखेंगे कि वह समय ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी पत्रकारिताओं से जुड़े रहे या संपादक के रूप में जुड़े रहे और उसमें कार्य करते रहे। अगर हम सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना शुरू किया और यहीं से वह प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ गए। और मैं आपको बता देती हूँ कि यह वही प्रगतिशील लेखक संघ है जिसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद रहे थे 1936 में, और वहाँ पर उन्होंने इसका अध्यक्षीय भाषण भी दिया था। जिस विचारधारा को लेकर प्रेमचंद चलते हैं उसी विचारधारा को लेकर के हमारे अमरकांत लेखक भी आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही अगर हम इनकी आगे कुछ साहित्यिक रचनाओं की बात करें, इनके साहित्यिक जीवन में जिन जिन चीज़ों का बहुत योगदान रहा, जिन पत्रों का, जिन दैनिक समाचार पत्रों का योगदान रहा, तो उनमें अमृत पत्रिका, दैनिक भारत, कहानी पत्रिका और मनोरमा, इनका भी इन्होंने संपादकीय विभाग में कार्य से अपने आप को जोड़ा और इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ भी ये हमारे लिए लिखते रहे। अगर हम अब बात करें अमरकांत की साहित्यिक विशेषताओं की या उनकी जो उन्होंने रचनाएं लिखी उनकी संवेदना और अंतर्वस्तु की, तो सबसे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि अमरकांत हिंदी साहित्य में एक जो आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध रहा, नई कहानी, उसी के एक प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी रचनाएं मैंने अभी पहले भी बताया कि प्रेमचंद की परंपरा में विकसित मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ है, जो भोगा हुआ यथार्थ है, उसको चित्रित करने का बाखूबी प्रयास किया है। और उन्होंने उनके सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको देखा, समझा, उसको महसूस किया, उस संवेदना को रचना में उतारने का प्रयास किया। और हम जब आम जनता की बात करते हैं तो हम मध्य वर्ग की मुख्यतः बात करते हैं, तो मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले एक बड़े कहानीकार के रूप में अमरकांत जाने जाते हैं। और मध्य वर्ग की जितनी भी समस्याएं हमारे समक्ष रहीं, जैसे हमारे समाज में जो अमानवीयता है, हृदयहीनता है, पाखंड है, आडंबर है, उन सभी को इन्होंने बाखूबी अपनी कहानियों में उतारने का प्रयास किया। आज के समाजवादी जीवन और उसके अनुभवों को भी अमरकांत ने यथार्थवादी तरीके से कहानियों में जगह दी। अगर जब हम भाव पक्ष की बात करते हैं किसी भी लेखक के, तो उसके साथ ही हम ये अवश्य बात करते हैं कि उनके कहानी या किसी भी रचना को कहने का ढंग कैसा था, अर्थात हम उसके शिल्प की अवश्य बात करते हैं। तो भाव पक्ष के साथ साथ उसके शिल्प पक्ष पर भी हम देख लेते हैं कि अमरकांत की शिल्पगत विशेषताएँ कैसी रही। क्योंकि आम जन जीवन को ही उन्होंने लिखने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया, तो जब हम आम जीवन बड़ा सरल और सहज होता है, विसंगतियों से भरा हुआ होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, विरोधों का भी सामंजस्य वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद एक सहजता हमेशा वहाँ व्याप्त रहती है। तो इसीलिए जब अमरकांत ने उस यथार्थ को लिखने का प्रयास किया तो उनकी शैली भी बहुत सहज रही और भाषा भी बहुत सजीव रही। शायद यही कारण है कि उनकी जितनी भी रचनाएं, उनकी जितनी भी कहानियां हैं, वो पाठकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित कर ले जाती हैं। और कई बार साधारण बात को साधारण तरीके से कहने से वो बहुत असाधारण बन जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके साथ ही अमरकांत ने अपनी कहानियों में आंचलिक मुहावरों का बहुत बेहतरीन प्रयोग किया है। आंचलिक मुहावरे के लिए हम फणीश्वरनाथ रेणु को बहुत बेहतर तरीके से याद करते हैं, और इनकी कहानियों में भी हम देखेंगे कि आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है और मुहावरों का प्रयोग किया है, और उससे कहानी का जो शिल्प होता है वो बहुत ही निखर कर आता है और वह बहुत जीवंत बन जाता है। अमरकांत की कहानियों में हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ शिल्प में चमत्कार करने की कोशिश नहीं करती,
कोई ऐसा आडंबर लेकर के नहीं आती, कोई ऐसी बहुत प्रकांड भाषा का प्रयोग करके नहीं लाती कि एक चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए, जैसे कई बार रीतिकाल के कुछ कवियों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते। जीवन की कथा है, सहज है, सरल है, तो उसी तरीके से ये जीवन की कथा को सहज सरल ढंग से ही कह देना चाहते हैं। अब हम इनकी कुछ रचनाओं से भी बच्चों को परिचित करा देते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और रचना का संसार बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। उसमें हमें कहानियां भी देखने को मिलेंगी, उपन्यास भी देखने को मिलेंगे और यहाँ तक कि बाल साहित्य भी हमें देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले इनकी कुछ प्रमुख कहानियों की बात कर लेते हैं। इनकी एक कहानी आई थी डिप्टी कलेक्ट्री, और डिप्टी कलेक्ट्री जिस समय आई थी वो इतनी प्रसिद्ध हुई, उसने एकदम साहित्य जगत में काफ़ी हड़कंप मचा दिया था। और इसका जो विषय है कि एक पिता अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए किस तरीके से बलिदान करते हैं, किस तरीके से वो उसे सहारा देते हैं, इस विषय पर ये डिप्टी कलेक्ट्री लिखी गई है। और मध्य वर्ग का व्यक्ति यदि कई बार ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है तो वो डिप्टी कलेक्ट्री जैसे एग्ज़ाम देने की तरफ ज़रूर मुड़ता है। और हमारा भारत में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कलेक्ट्री की परीक्षा पास करना चाहता है और फिर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इसके अलावा ज़िंदगी और जोक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। ज़िंदगी और जोक में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति की अदम्य जिजीविषा, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा इनकी और कहानियों पर भी हम दृष्टिपात कर लेते हैं। कुहासा, मौत का नगर, मित्र मिलन और भी अन्य कहानियाँ इनकी रही हैं। इसके अलावा इनके कुछ एक संस्मरण है इनका, कुछ यादें कुछ बातें, और एक है दोस्ती। उपन्यास की यदि हम बात करें तो सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार और इन्हीं हथियारों से। जी हाँ, ये कौन से हथियार हैं जिसने हमारे देश को आज़ादी दिला दी? हम बात कर रहे हैं गांधी जी की। गांधी जी के सत्य और अहिंसा जैसे हथियार, चरखा जैसी शक्ति, उन सभी को लेकर के लिखा गया ये उपन्यास है अमरकांत जी का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा और इतना प्रसिद्ध रहा कि इन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था 1942 में, और ये गांधी जी का प्रभाव था, इसीलिए उसी प्रभाव, उसी सीख, उसी अनुभव को लेकर के इन्हीं हथियारों से लिखा गया है और एक बेहतरीन रचना है ये। इसके अलावा हम बाल साहित्य की बात करें तो वानर सेना, नेउर भाई, सच्चा दोस्त, बाबू का फैसला, खूंटों में दाल, ये सब इनके बाल साहित्य रहे हैं जो काफ़ी रोचक हैं और बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। और इन्हें साहित्य का, हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हें 2007 में उससे भी पुरस्कृत किया गया। तो इसके अलावा व्यास सम्मान भी इन्हें मिला, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी इन्हें मिला, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिला, और यशपाल सम्मान भी इन्हें मिला, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी चर्चा की थी आप लोगों से। जी मैम, आपने जो हमें अमरकांत जी के बारे में बताया है और बताया है कि उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन्होंने इतना कुछ लिखा है अपनी जीवन शैली में, तो आज जो पाठ है वो भी उन्हीं का लेखन है, दोपहर का भोजन, और जितने भी आपने हमें शीर्षक बताए उनकी कहानियों के, उनके पाठ के, संस्मरण के, वो सभी बहुत ही आकर्षित किए मुझे भी, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी।
तो ये जो आज का हमारा विषय है, बात है दोपहर का भोजन, इसका भी जो नाम है बहुत ही अनोखा है। क्या आप हमें इसके उद्देश्य, इसके विषय के बारे में बताएंगे और साथ ही हमें, आप चाहें तो हमें पढ़ के भी बता सकती हैं कि क्या है आखिर इस कहानी में? जी, पाठ पर चर्चा करना या कहानी पर चर्चा करने से पहले, जैसा कि आपने कहा कि उसका थोड़ा सा हमें स्टोरी क्या कहती है, कहानी किस ओर जा रही है, उस पे चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने पूछा, मैं इसके उद्देश्यों पे बात कर लेती हूँ। और इसके जो उद्देश्य रहे हैं पाठ के, क्योंकि दोपहर के भोजन पे बात हो रही है, भोजन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद उसके लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है जिसको दोनों वक्त का भोजन मिल भी नहीं पाता है। तो ऐसे समय में सबसे पहले एक तो इसमें ये बात उठाने का की कोशिश की है अमरकांत जी ने कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार की जितनी जटिलताएँ हैं और समाज में व्याप्त गरीबी है, उसका यथार्थ चित्रण करने का प्रयास अमरकांत जी ने किया है। और समाज में जिस तरीके से विषमता उत्पन्न है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं और ज़्यादातर लोग गरीब हैं, उसकी बात करने की कोशिश की है। इसके अलावा जब आर्थिक कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं तो किस तरह एक परिवार उससे जूझता है, संघर्ष करता है, उसकी बड़ी ही करुण कथा कहने की अमरकांत ने कोशिश की है। इसके साथ ही अब उन परिस्थितियों से हम कैसे उन्हें झेलें और उन्हें हम उनसे कैसे उभरें, और ये पाठ कुछ प्रेरणा अपने साथ लेकर के चलता है, इस पर भी बात की जाएगी। और आर्थिक विषमताओं से ऊपर उठने का आत्मविश्वास भी हम में होना चाहिए, शायद इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर ये पाठ आगे बढ़ता है। तो हम कहानी की ओर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कहानी किसके विषय में है, किसकी बात करती है और किस तरीके से अपने शिल्प को लेकर के आगे बढ़ती है। और कहानी पे हम बढ़ें उससे पहले मैं छात्रों को, छात्राओं को, अपने विद्यार्थियों को इसके पात्रों से परिचित करा देती हूँ ताकि पूरी कहानी में आप उससे जुड़ते चले जाएं। सबसे पहले सिद्धेश्वरी, हम ये देखेंगे कि क्या सिद्धेश्वरी ही इसका मुख्य पात्र है भी या नहीं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे मुख्य पात्र या पहला पात्र है सिद्धेश्वरी, जो कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी है और तीन बच्चों की माँ है। इसके अलावा मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो सिद्धेश्वरी जो हैं उनके पति हैं और तीन बच्चों के पिता हैं। उनके तीन जो बच्चे हैं वो तीनों ही बेटे हैं। बड़ा लड़का रामचंद्र है, उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। मंझला लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष है और उसका नाम मोहन है। और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम प्रमोद है और अभी वह सिर्फ 6 वर्ष का है। तो जो दोपहर का भोजन कहानी है उसको हम चाहें तो हम एक एक लाइन को इस तरीके से पढ़ें कि उसकी पूरी संवेदना हम में समा जाए, लेकिन इतना समय भी नहीं है, तो हम इसके जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सिद्धेश्वरी अभी खाना बना के उठी हैं और खाना बनाने के बाद उन्होंने चूल्हे को बुझा दिया है और बहुत अनमने से मन से चिंतित सी बैठ जाती हैं। फिर प्यास लगती है तो पानी पी लेती हैं, लेकिन पानी तो पी लेती हैं पर लगी तो भूख है। और जब हमें भूख लगती है, ऐसा हमने बहुत बार अनुभव किया होगा, चाहे हमारे पास खाने की उपलब्धता दोनों समय की रहती हो, पर फिर भी हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि हम कार्य में बहुत व्यस्त हो गए या किसी भी कारण से हमने भूख का एहसास ज़रूर किया होगा। और ऐसे समय में जब हमें भूख लगती है और हम पानी पी लेते हैं तो वो पूरा कलेजे में जाकर हमारे चुभने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो वही भूख से जूझ रही सिद्धेश्वरी के साथ होता है और वह आधे घंटे तक जो पानी कलेजे से उतरता चुभता हुआ उसके पेट तक जाता है, वो बैठ जाती है, अधीर हो जाती है और आधे घंटे बाद उसे समझ आता है कि अब मुझे क्या करना है। फिर वो अपनी नज़रें उठा के देखती है तो उसकी नज़रें ओसारे में टूटे खटोले पर उसके 6 वर्ष के छोटे बेटे प्रमोद पर चली जाती है, जो कि बिल्कुल नंग धड़ंग उस खाट पे, खटोले पे पड़ा हुआ या लेटा हुआ होता है।
उसका पूरा शरीर सूखी हड्डियों का ढांचा होता है और बिल्कुल जैसे सूखी ककड़ी होती है वैसे उसके हाथ पैर नज़र आने लगते हैं। पेट फूला हुआ था और उसके खुले मुंह पर बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही होती हैं। तो ऐसे समय में सिद्धेश्वरी अपना एक फटा हुआ गंदा ब्लाउज़ उठाती है और उसके मुंह को ढक देती है ताकि मक्खियों से बचा जा सके। ये जो पूरा वर्णन अमरकांत ने अपने रचना के माध्यम से करने का प्रयास किया है ताकि गरीबी और गरीबी से उत्पन्न बहुत सारी समस्याओं को हम एक साथ लेकर चल सकें, उस पूरे दृश्य को बनाने का प्रयास किया है जहां हमारे पास कई बार ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं कि हम बेहतर जीवन यापन कर सकें। तो वह अपना गंदा ब्लाउज़ उसके मुँह पर डाल देती है और फिर अपने सबसे बड़े बेटे का की प्रतीक्षा करने लगती है और गली में देखने जाती है कि क्या वह आ गया है। और क्योंकि बहुत कड़ाके की धूप होती है तो वहाँ खड़ी होकर के दरवाजे से उसकी प्रतीक्षा करने लगती है। 15 मिनट तक जब वह देखती रहती है और बेटा नहीं आया हुआ होता है तो उसके मुख पर व्यग्रता अर्थात चिंता परेशानी दिखने लगती है। और तभी बड़ा बेटा रामचंद्र घर की तरफ आता हुआ उसे नज़र आता है। उसने जल्दी से पानी का लोटा ओसारे में चौकी के पास रखा और स्वयं रसोई में खाने की तैयारी करने लग जाती है। जो खाना उसने बनाया था उसको परोसने की तैयारी वह करने लगती है। रामचंद्र थका सा आता है और उस चौकी पर जिस पर बैठकर उसको खाना खाना था वो वहीं लेट जाता है और उसका हुलिया जो है वो पूरा विपन्नता दर्शा रहा है। 21 वर्ष का बालक है, लंबा पतला गोरा, लेकिन चेहरे पे झुर्रियाँ तक नज़र आ रही है। तो झुर्रियाँ जो होती हैं कई बार वो सिर्फ उम्र और अनुभव का तकाजा नहीं देती हैं, वो कई बार हमारी गरीबी को दर्शाती हैं, हमारे अभाव को दर्शाती हैं। हम जिस जीवन को जी रहे होती हैं झुर्रियाँ कई बार उनका प्रतीक बन जाती हैं। फिर वो जब लड़का अधमरा सा लेटा ही रहता है तो 10 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिद्धेश्वरी को बहुत चिंता होने लगती है कि ये अभी तक उठा क्यों नहीं है। तो वह उसकी सांसों के सामने अपने हाथ को टिका देती है कि कुछ परेशानी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। जैसे ही माँ का हाथ उसकी सांसों के पास जाता है तो बच्चा उठ तो जाता है और ये भी सिद्धेश्वरी को महसूस हो जाता है कि उसे बुखार नहीं है। लेकिन गरीबी का जो अभाव है, जो जिस अभाव में गरीबी के कारण वो जी रहे हैं, जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं, वो सबके अंतर मन में व्याप्त है। किसी से बात करने का बहुत मन ऐसे समय में हमारा नहीं करता है जब हम अभाव का जीवन जी रहे होते हैं। तो वो उठाने के क्रम में उसको बड़कू बड़कू कह करके उठाती है कि बड़कू बड़कू चिंता भी होती है। और आप जानते हैं ये एक आंचलिक शब्द है, हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं। हम कई बार बड़कू अपने बड़े बेटे को कहते हैं और मंझलू हम अपने बीच वाले या मंझले बेटे को कहते हैं और छोटू भी कह देते हैं अपने सबसे छोटे बेटे के लिए। तो वो उसे बड़कू बड़कू कह करके संबोधित करने का प्रयास करती है। और फिर बेटा आंखें तो खोल लेता है लेकिन बिल्कुल यंत्र के समान, मशीन के समान, जैसे मशीन संवेदनाओं से शून्य हो जाती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है, कुछ वैसे ही बेटा बैठ जाता है। अब सिद्धेश्वरी बहुत डरते डरते उससे पूछती है कि क्या खाना तैयार है, यहीं लगा दूं? रामचंद्र उस समय गरीबी का जीवन जी रहा है लेकिन फिर भी जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको किस तरीके से परिवार का हर सदस्य जोड़े हुए है, ये बड़ी देखने लायक बात है। तो वह अपनी भूख से ज़्यादा इस बात की चिंता करता है कि क्या पिताजी ने खाना खा लिया है। तो वह पूछता है कि बाबूजी खा चुके? और अभी रामचंद्र की अगर हम बात करें तो माँ जब उसके सामने खाना लाती है तो ये बता देती है कि पिताजी बस आने ही वाले होंगे, तुम खाना शुरू कर सकते हो। तो वह उसके सामने 2 रोटी, बिल्कुल पानी से भरी हुई पन्याई दाल और चने की तली तरकारी उसके सामने रख देती है और वह उसे खाने लगता है। तभी वह देखती है कि उसकी रोटी, जो 2 रोटी उसने रखी थी, उसको धीरे धीरे बेटा खा रहा होता है। उसे भूख बहुत लगी है लेकिन वो ये प्रदर्शित नहीं करता कि उसे भूख बहुत लगी है। और जैसे ही उसकी थाली में आखिरी टुकड़ा, आखिरी कौर बचती है तो सिद्धेश्वरी खाना बहुत नहीं है पर फिर भी इस सम्मान को रख लेना चाहती है, उस
उस फ्लो में जाना चाहती है कि क्या मैं और रोटी ला देती हूँ, तो बेटा मना करता है कि और रोटी मुझे नहीं चाहिए। जब वो बार बार ज़िद करती है तो बेटा कहता है कि क्या खिला खिला के मारोगी, इतना खाना है हमारे पास और इतना मैं खा चुका हूँ, मुझे और बिल्कुल नहीं खाना है, मुझे भूख ही नहीं लगी है, और एक तो आप खाना ही ऐसा बनाती हो। तो ज़बरदस्ती वो ऐसा कहता है ताकि माँ को कुछ ऐसा कह दिया जाए कि उसका पेट भरा है, उसे बहुत भूख नहीं है, जिससे कि खाना उसे और ना मिले और बाकी के हिस्से खाना आ जाए। तो फिर इसी तरीके से वो खाना खा करके उठ जाता है। जैसे ही माँ पानी लेने की तरफ जाती है तो रामचंद्र जो आखिरी टुकड़ा पड़ा था, जिसके विषय में वो कहता है कि मैं तो ये भी छोड़ने वाला था, बस ऐसे हल्के से उसको उठा करके मुंह में डाल लेता है क्योंकि उसको भूख बहुत लगी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके मंझले बेटे की, जिसका नाम शुरू में ही हमने बताया था मोहन, और उसकी उम्र 18 वर्ष है। बहुत देर से बिना बताए घर से चला गया है। अब क्यों चला गया है, कहाँ चला गया है, ये कहानी हमें नहीं बताती है, लेकिन हो सकता है बच्चे की उम्र ऐसी है, उसका मस्ती करने का मन करता हो इसलिए चला गया हो, घर में सिर्फ माँ है, किसी से अपनी बातें साझा करना चाहता हो इसलिए चला गया हो, शैतान बच्चा हो, कोई भी कारण हो, लेकिन वो बिना बताए ही बहुत देर तक घर से बाहर रहता है। और जैसे ही वो आता है तो मोहन खाना खाने बैठता है, माँ उसको भी खाना देती है। और जब रामचंद्र खाना खा रहा होता है, उनका बड़ा बेटा, तो वो झूठ बोलती है कि बेटा पढ़ने गया है, मोहन पढ़ने गया है। और रामचंद्र इस बात को मन ही मन शायद जानता भी हो कि वो पढ़ने नहीं गया है, लेकिन फिर भी सिद्धेश्वरी इस झूठ का प्रयोग करती है क्योंकि जिस गरीबी से वह परिवार जूझ रहा है, अगर ऐसे परिवार में दिलों में मन मुटाव आ जाएगा तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो इसलिए वो कहती है कि पढ़ने में बहुत ही होशियार है, पड़ोस के किसी लड़के के पास पढ़ने गया है और तुम्हारी तो बहुत तारीफ करता है कि बड़े भैया बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से वो बार बार दोपहर के भोजन पर इन्हीं बातों में झूठ का प्रयोग करते करते शायद परिवार के प्यार को बचा लेना चाहती है। और जैसे ही मोहन आता है, वह खाना खाता है, फिर वही क्रम चलता है, वो उसे रोटी देती है, तो वो फिर पूछती है कि क्या मैं और रोटी ला दूँ, तो वो कहता है नहीं, क्योंकि हर कोई एक सूत्र से प्यार के जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद वो पूछती है कि रोटी ला दूँ, तो बहुत कहने पे, क्योंकि बच्चे की उम्र भी ऐसी है, वो कहता है अच्छा ठीक है, थोड़ी सी दाल ला दो, तो वह उसके लिए दाल ला देती है जिसे वो ग्रहण कर लेता है क्योंकि बच्चे को भूख ज़्यादा लगी थी। और उसके भी चले जाने के बाद अब उनके पति भी आ जाते हैं। और पति के आने से पहले रामचंद्र से, क्योंकि संवादहीनता स्थापित नहीं होनी चाहिए, कई बार हम जब बहुत ही अभाव से जूझ रहे होते हैं, समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो हम तनाव में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसे में भी अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो हमें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति के साथ संवाद कीजिए जो किसी भी परेशानी से जूझ रहा है। तो वह जानना चाहती है कि जिस काम के लिए वो गया है वह काम बना या नहीं। अभी उसने इंटर पास की थी, इंटर पास करते ही वो आगे चल के प्रूफ रीडिंग का काम करने लगता है। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि किसी भी रचना में जब हम उसकी गलतियाँ, उसकी अशुद्धियाँ, उसके वाक्य संरचना, इन सब को चेक करते हैं, देखते हैं, कमियाँ निकालते हैं, फिर उन्हें ठीक करते हैं, इसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। तो बस वही छोटा मोटा काम करके वह अपना घर चला रहा होता है। तो वह जानना चाहती है कि क्या उसे कुछ और काम मिला, कुछ और अच्छी नौकरी मिली। तो रामचंद्र थोड़ा सा खींच जाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम नकारात्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि नहीं मिली, तो ये नकारात्मक रूप से हमारे मन पर असर डालता है। बस वो ये कह के छोड़ देता है कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर जब उनके पति आते हैं खाना खाने के लिए, तो वो भी यही पूछते हैं कि खाना सबने खा लिया क्या। तब वह उन्हें बताती है कि हाँ, खाना सब खा चुके हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चिंता कर रहा है, दूसरे व्यक्ति ने खाना खा लिया है या नहीं इसकी चिंता कर रहा है। रामचंद्र छोटे बेटे के बारे में पूछता है, बाबूजी के खाने के बारे में पूछता है, और जो प्रमोद लेटा हुआ है, छोटा 6 वर्षीय बच्चा, उसने खाना खाया या नहीं उसके बारे में भी पूछता है। और तब वो यही कह देती है कि खाना प्रमोद ने खा लिया है।
उसकी तरफ देखती है जिसके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और कह देती है कि खाना खा लिया है। और फिर एक और झूठ बोल देती है कि प्रमोद कह रहा था कि बड़े भैया बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वही काम करती है जिससे कि उनके बीच प्यार बना रहे। और जब उनके पति आते हैं तो वो भी खाने के लिए बैठते हैं और सिद्धेश्वरी उनको खाना जब सर्व करना चाहती है तो उसका हुलिया भी अमरकांत ने बताने की कोशिश की है कि वे लगभग 45 वर्ष के हैं, लेकिन गरीबी और अभाव ने उन्हें 55 के करीब, 50 से 55 के करीब दिखाना शुरू कर दिया है, झुर्रियाँ दिखने लगी हैं। तो यहाँ भी अमरकांत अपने छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से गरीबी, विपन्नता को बहुत बेहतर तरीके से दिखा ले जाते हैं कि किस तरीके से उनका बुढ़ापा भी और बढ़ जाता है जब अभाव होता है, गरीबी होती है। और जब वह खाना खाने बैठते हैं तो सिद्धेश्वरी फिर यही काम करती है, अपने बेटों की प्रशंसा करने लगती है और फिर अपने पति से यही कहती है कि रामचंद्र, जो कि सबसे बड़ा बेटा था, आपकी बहुत तारीफ़ करता है और कहता है बाबूजी तो बिल्कुल देवता हैं। तो कितनी भी चिंता में उनका पिता होता है, उनके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है कि अच्छा, वो मुझे देवता मानता है। क्योंकि हमें परिवार में ऐसा लगता है कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया है जिसके लिए हमारे बच्चे हमें देवता माने, लेकिन ये एक पिता के लिए कितने सम्मान की बात हो सकती है, कितनी खुशी की, कितनी गर्व की बात हो सकती है। जो झूठ वो बोलती है वो झूठी सही, लेकिन रामचंद्र को उनके पिता के प्रति लगाव दिखा जाता है और उनके पिता को बहुत खुश कर देता है। अब जब वह खाना खाने बैठते हैं तो उनकी थाली में भी फिर वही सीमित रोटियां हैं, फिर वही पनियारी सी दाल है और वो बात करना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी फिर उस संवाद शून्यता को तोड़ देना चाहती है, उनसे बात करती है और बातों का कोई क्रम नहीं होता। तो किसी रिश्तेदारी की बात करने लगते हैं कि वहाँ शादी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है, इस तरीके की कहीं से भी वो बातों को बस शुरू करना चाहती है कि जो चिंता का माहौल है वो किसी तरीके से गायब हो जाए। और वह उत्तर नहीं देता तो वह पूछता है कि इस बार बारिश कम होगी। अब बारिश कम होगी में कहीं ना कहीं ये भाव भी छिपा है कि फिर खेती भी उसी तरीके से होगी, फिर अनाज भी उसी तरीके से होगा। तो इस तरीके की अलग अलग बातों को कहीं से वो सूत्र जुड़ते नहीं हैं पर फिर भी वो कहना चाहते हैं। या वो कहता है कि आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये भी गरीबी की तरफ संकेत है। और इस तरीके से वो फिर उन्हें रोटी के लिए प्रेरित करती है कि आप और रोटी लीजिए, और रोटी लीजिए, उन्हें उकसाती है। तब वो कहते हैं कि नहीं, मुझे और रोटी नहीं चाहिए, तुम थोड़ा सा गुड़ हो तो पानी में घोल कर मुझे पिला दो। तब वह उनके लिए थोड़ा सा गुड़ लेकर के पानी में घोल के उन्हें दे देती है। और अब अंत में जब सिद्धेश्वरी भोजन करने बैठती है तो केवल एक रोटी अब उनके पास बची है। उस एक रोटी को वो देखती है और वही, उसी से उसे अपना पेट भरना है। उस रोटी की तरफ देखती है तभी उसकी दृष्टि प्रमोद की तरफ चली जाती है, जो उनका 6 वर्षीय बेटा है। तो फिर उस रोटी के भी वो 2 हिस्से कर देती है और आधी रोटी प्रमोद के लिए छोड़ देती है और आधी रोटी अपने लिए छोड़ देती है। और पानी का फिर से एक भरा हुआ लोटा लेती है और ताकि उसको पी सके। लेकिन इतना सब संभालते संभालते, दोपहर के भोजन में सबसे झूठ बोलते, सबको ज़बरदस्ती खाना खिलाते, अब उसके धैर्य का बांध टूटने लगता है और आँखों से उसके आंसू टपकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घर में अब जो कुछ भी निर्धनता, गरीबी, विवशता है, सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। तो शायद स्त्री का गुण ही ऐसा होता है कि वह सोचती है कि मैं जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने परिवार में निभा सकूं, उसे मैं निभा ले जाऊं। तो इस तरीके से ये हमारी कहानी थी अमरकांत की। जी मैम, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी थी और जिस तरह आपने बताया और भी अच्छा लगा। मैम, जैसे इन पात्रों के बारे में आपने हमें बताया, सब में धैर्य है, सब घर को जोड़ के रखना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं कि किसने रोटी खाई, किसने खाना नहीं खाया। जी। कहा जाता है कि भूख और गरीबी में धैर्य और संयम नहीं रखा जाता है, मुश्किल होता है। जी। तो ये कहानी उसके एकदम विपरीत लग रही है। जी। क्या आप हमें बताएंगे ऐसा क्यों?
आपने बिल्कुल सही कहा कि जब गरीबी आती है या विवशताएं आती हैं तो हम सबसे पहले अपना धैर्य और संयम खो देते हैं। एक तो जैसे मैं एक बार कहीं आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ आ गई है और सब कुछ हमारे हाथ से चला गया है, तो ऐसे समय में अगर कहीं से हमें खाना मिल जाता है तो आपने देखा होगा कि हम सारा संयम तोड़ के उस खाने को सबसे पहले प्राप्त कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बात मानवीय मूल्यों की नहीं है या बात दूसरे की परवाह की नहीं है, बस ये है कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न जीवन का हो जाता है कि हम कैसे जिए और फिर दूसरों को देखें। तो ऐसे में धैर्य और संयम चला जाता है, लेकिन जो नारी है, जो सिद्धेश्वरी है, वो इतनी दृढ़ व्यक्तित्व की है, और नारी में संयम हम शुरू से मानते आए हैं कि ये उसका शील है, ये उसका गुण है, तो वो पूरे परिवार को जोड़े रहती है और वो इस धैर्य को खोती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये धैर्य और संयम उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता को दर्शाता है। जी जी, अगर हम जीवन की बात करें तो आदमी हो या औरत, आपको नहीं लगता अगर परिवार गरीब है तो संयम हर इंसान में होना ज़रूरी है? सिर्फ औरत ही रखे ये ज़रूरी नहीं, और क्योंकि ये कहानी कुछ वर्ष पहले की लिखी हुई है, आज के ज़माने की नहीं, तो आप क्या कहते हैं कि आज भी अगर ऐसा कोई परिवार हो तो इतना धैर्य, इतना संयम रख पाएगा, और ऐसी ही जो बलिदान इसमें सिद्धेश्वरी ने दिखाया है वो आज के दिन भी एक परिवार दिखा पाएगा? देखिए, ये तो एक व्यक्तिगत मामला भी है, और कई बार हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं और जो हमारी परवरिश है, ये उस पर भी निर्भर करता है कि हम कितना धैर्य संभाल के रखते हैं, कितना संयम रखते हैं, और ये जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, मानवीय गुण हैं, इनका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये हर किसी में होने चाहिए, लेकिन किस में होंगे, किस में नहीं होंगे, आधुनिक समय में किस में होंगे या जब कहानी लिखी गई तब किस में थे, ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला हो जाता है कि होने ज़रूर चाहिए, और इनको विकसित भी किया जा सकता है परिवार से, विद्यालय से। तो मानवीय मूल्य इस तरीके के अगर रहेंगे तो प्रेम, सद्भाव, सौहार्द भी बना रहेगा। बिल्कुल, बाकी समय और सिचुएशन बिल्कुल के अनुसार काम होगा। अगर हम सिद्धेश्वरी की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने खाना बनाया लेकिन खाया नहीं, पानी पी लिया और फिर पेट में दर्द हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने खाना खाया नहीं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, एक तो सिद्धेश्वरी, मैंने जैसा पहले कहा कि हम कई बार ना एक जिस समय की ये कहानी है, हम हमेशा नारी के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से ये बहुत दिखाना चाहते हैं कि वो धैर्य धारण करती है या वो संयम धारण करती है, और जब एक नारी परिवार में खाना बनाती है और परोसती है तो वो प्यार भी परोस रही होती है जी। लेकिन इसे भी फिर वही बात है कि हमें जेंडर से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये गुण भी हमें दोनों ही लोगों में देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसे समय में सिद्धेश्वरी का चरित्र बहुत दृढ़ तो नज़र आता है, लेकिन हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ महिला को ही इस तरीके के गुण को धारण करना चाहिए। बिल्कुल, और एक चीज़ और जो आपने हमें कहानी बताई, आपने बताया कि जब बड़ा बेटा खाना खाने लगता है तो वो पूछता है कि क्या प्रमोद ने खाना खा लिया, क्या बाबूजी ने खाना खा लिया, लेकिन वो ये नहीं पूछता कि माँ क्या आपने खाना खा लिया कोई नहीं पूछता कि माँ क्या आपने खाना खा लिया। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये जेंडर के हिसाब से होना नहीं चाहिए, पर कुछ हद तक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गरीबी है और स्वच्छता है, क्योंकि इसमें आपने एक हमें उदाहरण दिया कि जब मक्खियाँ प्रमोद के आसपास थी तो एक गंदा फटा हुआ ब्लाउज था जिससे कि सिद्धेश्वरी ने उसका मुंह ढक दिया ताकि मक्खियाँ उन्हें परेशान ना करें, तो गरीबी और स्वच्छता आपस में क्या रिश्ता रखती है? देखिए, गरीबी और स्वच्छता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम कई बार जब किसी गंदी जगह को देखते हैं, किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जो नहाया हुआ नहीं है, फटे हाल है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, तो हम बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हमें उन कारणों को भी जानना होगा कि आखिर वो बच्चा ऐसा है क्यों। इस कहानी में हम देखते हैं कि जब सिद्धेश्वरी खाना चौकी पे लगाने जाती है तो वह उसे पानी से धोती है और साफ़ करती है उस जगह को,
यानी सफाई तो वो रखना चाहती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे घरों में बहुत रोज़ रोज़ कपड़े धोने के लिए साबुन का या मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव हो। वो बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए ना नहा पाता हो कि उसके यहाँ पानी की भरपूर व्यवस्था ना हो, उसके पास साबुन की व्यवस्था ना हो। तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि गरीबी में जब हमारे पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं होती हैं तो हम स्वच्छता पे चाहते हुए भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हमें ऐसे में अपनी इस दृष्टि को बदलना होगा, जो हम हिकारत से ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को देखते हैं जो गंदे हैं, फटेहाल हैं और उनके कपड़े बड़े मैले से नज़र आते हैं, कपड़ों पे कई पैबंद लगे नज़र आते हैं, तो उनकी तरफ हमारी इस तरफ भी दृष्टि जानी चाहिए कि आखिर उसके सामाजिक या आर्थिक कौन से कारण रहे जिसके लिए आज वो इस हुलिये में इस तरीके से हमारे सामने है। जी पर मैम, अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो सरकार बहुत सारी चीज़ें बच्चों को देती हैं और बोलती हैं कि विद्यालय में जाएं, और विद्यालय में एक चीज़ स्वच्छता के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि अपना आसपास आपको साफ़ रखना है ताकि बीमारियां ना आए। तो ये गरीब बच्चों के लिए भी होता है और अमीर बच्चों के लिए भी होता है, और किस हद तक इसे पालन किया जाता है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार स्वच्छ भारत अभियान भी चला रही है और सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉयलेट भी बनवाए गए, बहुत सारी सुविधाओं को देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार जितने प्रयास कर रही है, कई बार वो जनता तक पहुंचते पहुंचते समय लगता है, या अभी उस तरीके से हम पूरे बहुत बड़े वर्ग को, क्योंकि बड़ा वर्ग हमारा गरीब है, उस तक शायद हम पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। तो स्कूलों में पालन होता है, स्कूल पहुंचे हुए बच्चे तक पालन होता है, लेकिन क्या स्कूल के बाद पालन हो पाता है, या जो बच्चा अभी हम स्कूल तक नहीं ला पाए हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है कि हम लाएं, लेकिन जिसको नहीं ला पाए हैं, कहीं ना कहीं वो इस दायरे से बाहर चला जाता है। तो अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ सरकार ही क्यों, ये एक नागरिक के नाते, एक समाज के व्यक्ति के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर मैम इस पूरी कहानी से हमें कुछ सीख मिलती हो तो वो क्या होगी? सीख यही है कि कैसे अभाव में, कैसे गरीबी में सिद्धेश्वरी जिस तरीके से दृढ़ चरित्र अपना दिखाती है, जिस तरीके से वो उस चिंता को खाने, दोपहर के भोजन तक आने नहीं देती है, और गरीबी, विपन्नता ये सब है, लेकिन फिर भी वो संवादों को झूठ बोलकर और उन बातों को बदल देना चाहती है ताकि प्रेम बरकरार रहे। तो ये जो पारिवारिक मूल्यों को वो ज़िंदा रखती है, इस तरीके के पारिवारिक मूल्यों को ज़िंदा रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, इस झूठ बोलने की बातचीत पर आप हमें बताइएगा कि वो लगातार हर बात पर झूठ बोलती है, और एक किस्से में आपने ये भी बताया कि शायद रमाकांत को पता था कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सुन लिया। तो इस तरह से क्या आपको लगता है कि परिवार को सच में जोड़ा जा सकता है? और बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, तो क्या ये उसके लिए सही है? हाँ, देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो सोच है, अगर वो किसी का बुरा करने की नहीं है, अगर वो प्रेम उत्पन्न करना चाहती है, तो वह झूठ कई बार सच पे भारी पड़ जाता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि सिद्धेश्वरी के जो झूठ थे वो तो 100 सच पे भी भारी पड़ जाएं। तो क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो एक तनाव का पूरा माहौल उस दोपहर के भोजन के अंतर्गत बना रहता, उस पूरे परिवार के मानसिक रूप से उनके साथ जुड़ा रहता। तो शायद वो अपनी तरफ से जो कर सकती थी, उसे जो उस समय उचित लगा कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो शायद प्यार जिंदा रह जाएगा, तो उसको वो आगे ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर हम इसी कहानी को एक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ाने की कोशिश करें तो कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, करा सकते हैं। एक तो जैसे कि हमारे आसपास गरीबी को देखना, गरीबी में जो जीवन यापन लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से रूबरू होना बहुत ही आम बात है जी। और हम ये गतिविधि दे सकते हैं, हो सकता है उस बच्चे का परिवार ही ऐसा हो सकता है उस बच्चे के कोई जानकार ऐसे हो, उसके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो, कोई परिवार हो, तो हम एक तो ये गतिविधि भी दे सकते हैं कि उनको देख करके उस बच्चे के मन में जो संवेदनाएं जागृत होती हैं,
वो उन पर अपने विचार लिखे, तो उसकी संवेदनाओं को एक तार मिलेगा और दूसरा उसकी लेखन शैली भी बहुत बेहतर हो जाएगी जी। और इसके अलावा और भी गतिविधि हम दे सकते हैं, हम उन पे क्लास में जेंडर पे चर्चा करा सकते हैं, जैसा कि अभी आपने ही बोला था कि सिद्धेश्वरी ही क्यों सबसे बाद में खाना खा रही है, या सिद्धेश्वरी ही क्यों माँ से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपने खाना खाया या नहीं, वो उन्हीं से क्यों पूछा जा रहा है कि पिता ने खाना खाया, प्रमोद ने खाना खाया। तो इस तरीके की एक चर्चा, सार्थक चर्चा कक्षा में कराई जाए कि आखिर ऐसा क्यों है कि काम जो है वो महिला ही करेगी और कुछ काम जो है वही महिला करेगी। तो इस तरीके की एक चर्चा जेंडर डिस्कोर्स पे कक्षा में शिक्षिका या शिक्षक करा सकते हैं, और फिर हमारे पास नई पीढ़ी के नए बच्चों के बहुत सारे रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चर्चा बहुत ही अच्छी हो जी, सकती जी। है, और बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ डाला जा सकता है कि इस तरह की भी परिस्थिति हो तो किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए जी। इसके साथ मुझे एक एक्टिविटी और याद आ रही है कि क्योंकि ये कहानी है और कहानी विधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्राचीन विधा है, और कहानी पढ़ना जिस तरीके से अपने आप में एक कला है, कहानी लिखना जिस तरीके से अपने आप में एक कला है, तो उसको हमें विकसित करना होगा। अमरकांत ने जो कहानी लिखी है वो बहुत बेहतरीन कहानी है, उसको बच्चों ने जिस अंदाज में पढ़ा वो भी एक बहुत बेहतरीन हो सकता है, लेकिन कहानी लिखने की जो कला है उसको भी कक्षा में धीरे धीरे विकसित शिक्षक करा सकते हैं, और वह कोई भी उन्हें ऐसा उदाहरण दे सकते हैं या बच्चे अपने आप एक ऐसा उदाहरण सामने ला सकते हैं कि जब उन्होंने गरीबी से जूझते हुए किसी को देखा हो या किसी भी अन्य विषय पर भी उन्हें कहानी लेखन करने के लिए कहा जाए कि आपने अमरकांत की जो कहानी पढ़ी इसमें जिन बिंदुओं को आपने देखा क्या वैसे ही रचना संसार आप विकसित कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को साहित्य लिखने की ओर भी प्रेरित कर सकते हैं जी। बिल्कुल, अगर मैम हम आपसे पूछें कि आप सिद्धेश्वरी की जगह होती तो क्या आप भी वही करती जो उन्होंने किया या कुछ अलग? देखिए, आदर्श की बात अगर मैं करूँ तो मैं शायद कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल वही करती, लेकिन ना ही तो मैंने सिद्धेश्वरी की तरह इस तरीके का जीवन जिया है जिसमें बहुत अभाव रहा हो, है ना। हम सभी मध्य वर्ग परिवार से आते हैं, और लेकिन दो वक्त का भोजन अगर हम जुटा पाए हैं तो उस भूख को शायद मैं उतने बेहतर तरीके से महसूस ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी पारिवारिक मूल्य हमें यही सिखाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति, परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है तो फिर हमें मिल बाँट के उस गम को भी साझा करना है, उस खुशी को भी साझा करना है, उन संसाधनों का भी साझा करना है, वो सिर्फ मेरे नहीं है, वो मेरे पूरे परिवार के हैं, और इस जिम्मेदारी का भी वहन करना पड़ेगा सिद्धेश्वरी की तरह कि प्रेम जो पारिवारिक मूल्य का एकदम मूलभूत है वो भी बरकरार रहे। तो शायद पारिवारिक मूल्यों की वजह से मैं भी ऐसे ही करने का प्रयास करती कि परिवार में प्यार बचा रह जाए। बिल्कुल, तो मैम इस गरीबी के माहौल में जैसे सिद्धेश्वरी ने बलिदान किए हैं उस तरह जो हमें अमरकांत नज़र आते हैं या सिद्धेश्वरी के पति नज़र आते हैं, उन्होंने भी इस व्यवस्था को संभालने के का कुछ प्रयत्न ज़रूर किया है जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? हाँ बिल्कुल, नारी इसका सबसे सशक्त माध्यम रही या सिद्धेश्वरी ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बागडोर संभाली है, लेकिन हम देखेंगे कि बेटे और पति जो उनके हैं उन्होंने भी इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पेट पहले भर जाए, या बच्चे बच्चे होते हुए भी जो बड़े हो गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते कि पिता ने खाना खाया है या नहीं। तो इस तरीके से वो लोग भी कहीं ना कहीं त्याग को अपने साथ जोड़े हुए हैं। तो ये जो भावना है इससे पुरुषों का एक एक जो भूमिका है वो नज़र आती तो है जी। जिस तरह से आपने बोला कि जेंडर का इसमें रोल नहीं है, और महिला या हो या पुरुष, जब परिस्थिति ऐसी हो तो सभी को
ऐसा ही व्यवहार जी बिल्कुल ओके मैम, जैसे हम आज की डेट में देखें तो संयुक्त परिवार जो है वो इतने मिलनसार नहीं रहे, साथ में भोजन नहीं करते हैं, उनका जो टाइम टेबल होता है, ऑफिस का काम होता है, सब आगे पीछे होता है, तो साथ बैठकर नहीं समय मिल पाता। इस पर आप कुछ अपना ओपिनियन देने चाहिए। हाँ, एक तो कारण आप ही ने बताया कि मिलनसार नहीं रहे, तो उसके पीछे कारण है कि समय नहीं मिल पाता है। तो संयुक्त परिवार जो टूटे उसके पीछे कारण था कि जब हम शहरों में नौकरी की तरफ दौड़े तो उस वजह से हमें अलग रहना पड़ा, या हमारे पास शहरों में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम एक बहुत बड़ा सा मकान लेकर के और गांव के सभी लोगों का भी निर्वहन कर सकें। तो वो मजबूरी वश जो किया गया था उसने एक चलन भी पकड़ लिया और संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटने लगे। और इसीलिए जो हम देखते हैं कि पहले जैसा चलन तो नहीं रहा, और इसी कारण से चाहे आप काम का प्रेशर मान लीजिए, आजकल जो आधुनिक शैली है, जिस तरीके से दौड़ भाग हो रही है, तो साथ में बैठकर खाना खाना हमारे लिए संभव भी नहीं रहा है, हमारी जीवन शैली का हिस्सा भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम ये देख पाते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि शहरों में लोग आए गाँव से, तो परिवार टूटते ही रहे, फिर वो कभी जुड़े नहीं। हाँ, तो शायद हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसने हमें एकांत की तरफ भी धकेल दिया, और इसमें पैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो मैंने पहले ही कहा, लेकिन इसके अलावा उसकी जो जीवन शैली है जिसमें वह व्यक्तित्व की ओर या अपनी ओर ज़्यादा सोचता है, और वो चाहता है कि मुझे वो स्वतंत्रता मिले जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाऊँ, और क्योंकि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जो संघर्ष है, उससे जो टकराहट उत्पन्न होती है, उसको वो इस आधुनिक जीवन शैली में जिसमें वो काम के बोझ के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो जोड़ना नहीं चाहता। जी, तो ये समस्या बहुत पुरानी है और अभी तक जारी है। चलिए, समस्याएं बहुत सारी हैं इसमें, और कुपोषण भी एक समस्या है और एक गंभीर समस्या है। आप कुछ कहना चाहेंगी उस पे? हाँ, इसमें जिस तरीके से दिखाया कि उसके बिल्कुल ककड़ी जैसे हाथ हो गए थे, हांडी जैसा पेट बाहर निकल आया था, और उसकी पसलियाँ, गले की जो नसें, ये सब दिख सकती थी। तो जो प्रमोद के माध्यम से कुपोषण दिखाने की बात की गई है, इसके पीछे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक स्थिति भी है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा कुपोषित लोगों वाला देश है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है, लेकिन इसके अलावा हमारी खान पान की जो जीवन शैली है ये भी एक बड़ा कारण है कि हमें वो न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व हम ग्रहण ही नहीं करते अपने भोजन की थाली में जो हमें करने चाहिए, या जिस तरीके की जीवन शैली हम अपना रहे हैं जिसमें हम मोमोज और चाउमीन इन सब की तरफ बढ़ रहे हैं और बच्चे इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो संपूर्ण थाली जिस तरीके से होती थी वो अब हमें नहीं मिल पा रही है, जिसका बहुत बड़ा कारण तो खैर गरीबी है, बाकी हमारी जीवन शैली भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी जीवन शैली की तरफ ध्यान देना है, और जो सबसे आसानी से और सबसे सस्ते तरीके से हमें जो न्यूट्रिशन उपलब्ध हो सकते हैं वो हमें ज़रूर ग्रहण करने चाहिए। मैं अपने बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो इस आधुनिक शैली की तरफ ना दौड़ें जिसमें मोमोज और इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जी, तो सब्जियां और फल, हाँ, हम सभी जानते हैं हमें खाने चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश खा नहीं पाते। जी मैम, जो अमरकांत है, जिनका परिचय आपने हमें शुरुआत में दिया था, आपने बताया था कि उनके विषय में मध्य वर्ग का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ वो अपने मुहावरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कहानियों के विषय में मध्य वर्ग और उनकी जो समस्याएं वो दिखाते हैं, इतनी मुखर क्यों है आखिर? इसकी कोई ख़ास वजह है या ये सिर्फ यूँ ही है? नहीं, कोई भी कहानीकार जब अपने विषय का सृजन करता है, उस दायरे को चुनता है, तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई परिस्थिति अवश्य होती है। तो जो अमरकांत हैं उनका उन्होंने कहीं कहा था कि जो आपके सामने घटित हो रहा है सिर्फ वही रचना नहीं है, बल्कि उसे देखकर, अपने चारों ओर देखने के बाद उसे अपने भीतर जब आप घटित पाते हैं, उसे महसूस करते हैं, और फिर जब आप लिखते हैं तो वह रचना है। तो कहीं ना कहीं ये भोगा हुआ यथार्थ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी जो संवेदना का घनत्व है, आप इन लाइनों से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो
जो आसपास घटित हो रहा है उस चीज़ को उठा ले जाते हैं। दूसरी बात, वो प्रेमचंद की परंपरा के थे और प्रेमचंद ने खुद यथार्थ को बहुत महत्व दिया अपनी कहानियों में, तो उसी की परंपरा को अमरकांत आगे ले जाते हैं। और तीसरी बात है, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे, जो शोषितों की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो पीड़ितों की बात करता है। खुद प्रेमचंद ने कहा था कि रचना जब साहित्य होता है तो साहित्य वैसा ही होना चाहिए जिसमें हम शोषितों की, गरीबों की, पीड़ितों की, किसानों की, स्त्रियों की, स्त्री की बात कर सकें जो शोषित है, तभी वो साहित्य सार्थक है। तो उसी परंपरा का वहन करते हुए अमरकांत भी आगे बढ़ते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा उनकी कहानियों में हम देखेंगे कि नई कहानी आंदोलन के रचनाकार हैं वे, और नई कहानी का जो समय है वह आज़ादी के बाद का समय है जी। और आज़ादी के बाद, 1950 के बाद इन्होंने ज़्यादा लिखा है, तो उस समय में मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमने सपने तो बहुत सारे संजोए थे कि जब देश हमारे द्वारा चलेगा, हमारा खुद का शासन होगा, तो तरक्की होगी, खुशहाली होगी, लेकिन वैसा सब कुछ हुआ नहीं। और इससे संबंधित एक कविता भी है, 12वीं कक्षा में जो 12वीं के छात्र हैं उन्होंने पढ़ी होगी, और जो हमारे श्रोता हैं आज, हमारे जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि अगली कक्षा में वो उसको पढ़ पाएंगे। तो उसमें एक कविता है विष्णु खरे की, एक कम। वो बिल्कुल इसी बात को उठा ले जाना चाहती है कि किस तरीके से आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, कितने तरीके, कितने हमने हथकंडे अपनाए और अपने आप को मालामाल कर ले गए और हम आगे बढ़ गए। और भीड़ में जिस समन्वय की हम बात करते हैं, जिस समाजवाद की हम बात करते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, उसको कहीं हमने पीछे छोड़ दिया और अपनी जेबें भरने में लग गए, या हम अपनी तरक्की में आगे लग गए, गला काट प्रतियोगिता की तरफ हम मुड़ गए। तो ऐसा ही मोह भंग की स्थिति, ऐसी ही जो परिस्थितियां हमारे सामने व्याप्त हुई कि एक तरफ नई कहानी के जो रचनाकार हैं वो बदलते समय के साथ जुड़ना चाहते हैं, आज़ादी के बाद के हुए परिवर्तनों को समझना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में अंतर्द्वंद की स्थिति हमेशा व्याप्त रहती है। आशा भी है, निराशा भी है, आगे भी बढ़ना है, समय के साथ भी चलना है, लेकिन बहुत कुछ है जो पूरा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है जो जैसा घटित होना चाहिए वैसा घटित नहीं हो रहा है। तो ऐसे अंतर्द्वंद है, व्यष्टि और समष्टि का द्वंद है। अभी हमने जिस पे बात की कि संयुक्त परिवार अगर नहीं है तो व्यक्ति समष्टि को छोड़ के अपनी तरफ सोचे या समाज को सोचे, वो जो द्वंद है उसको भी वो समझ पा रहा है। तो जीत है, हार है, निराशा है, आशा है, इन सारे भावों का अंतर्द्वंद नई कहानी के रचनाकारों में, क्योंकि वह उस समय की पूरी घटना है, वो मोह भंग की घटना है, वो हमें अमरकांत की कहानियों में इसी वजह से देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो इस कहानी से मैम मुझे लगा कि जो अमरकांत है वो आम आदमियों के लिए लिखते हैं, आम लोगों के लिए लिखते हैं, तो क्या उनकी सभी कहानियां इसी तरह से होती हैं आम लोगों के लिए, जिससे अगर जो भी पढ़े वो समझ सके कि हाँ ये सच है। हाँ, साहित्य संसार इतना बड़ा है अमरकांत का कि बिल्कुल दावे के साथ मैं सभी कहानियाँ तो शायद ना कह पाऊँ, लेकिन उन्होंने जिस विषय को चुना है वो आम जनता है, क्योंकि जो मध्य वर्गीय परिवार है, जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, हम इसमें भी जो सिद्धेश्वरी का परिवार देखते हैं वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, और ये एक ऐसा परिवार होता है, ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसको अपनी रोटी के लिए भी जूझना पड़ता है, जिसको रोज़ संघर्ष करना पड़ता है, जीवन जीने के लिए, खाने के लिए, और उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके के वर्ग को लेकर के अमरकांत आगे बढ़ते हैं, और शायद इसीलिए वो कहते भी हैं कि नकली कहानी लिखना तो बहुत आसान है, असली कहानी लिखना मुश्किल है। और असली कहानी क्या है? एक बहुत बड़ा वर्ग जो आम जनता है। बहुत सही कहते हैं अमरकांत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कहानी को जिस तरह से आपने हमें समझाने की कोशिश की हम याद रखेंगे, और जिन मूल्य आप हमें बता रही थी, ये जो सीख है, हम इसका भी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी श्रोताओं का, मेरे प्यारे 11वीं कक्षा के बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
धन्यवाद एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके आसपास गंदगी है तो उसे प्लीज़ साफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो हम सब स्वस्थ नहीं होंगे। आप लोग हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 12वीं कक्षा के लिए हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेकर थोड़ी देर में हाजिर होंगे और हम बातचीत करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पर। तो आप अपने सवाल, अपने प्रश्न हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।